हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, 46 रुपीज के ऊपर शेयर आ चुका है। 9% का बड़ा जंप आज बैंक ने लगाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेडरल बैंक में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक का जो शेयर है 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा है। पिछले एक महीने की बात करें तो भैया काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन जरूर है। 58 रुपीज से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, 37 रुपीज तक पहुंचा, फिर ऊपर चला गया, 45 रुपीज के आसपास पहुंचा, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और तकरीबन 40 रुपए तक भी गया, लेकिन बाद में फॉरन से 46 रुपीज के आसपास शेयर पहुंच चुका है। एक साल की बात करें तो फेडरल बैंक ने पिछले एक साल में 53% की गिरावट देख चुका है। ये 110 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, 110 रुपए तक का हाई था और कोरोना की वजह से शेयर में डेफिनेटली बहुत बड़ा डेंट लगा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा शार्प फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 37 रुपीज तक भी ये शेयर टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़िया बाउंस बैक करने की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो फेडरल बैंक में 50% तक की हमें गिरावट देखने को मिल जा चुकी है। 126 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई। तो अगर आप देख सकते हैं कि 3 साल का भी अगर आप चार्ट देखें तो आप देखिए उतना इस तरीके से ऊपर उठता हुआ चार्ट नहीं है। अगर गिरावट आ रही है तो वापस शेयर बाउंस बैक कर रहा है, वापस अगर बाउंस बैक कर रहा है तो गिरावट भी आ रही है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक के शेयर में 10 साल में 66% का ग्रोथ है। 22 रुपए तक का लो है और 126 रुपए तक का हाई है। अब इस तरह तेजी आई, फिर बहुत बड़ी गिरावट, फिर बहुत बड़ी तेजी, फिर बहुत बड़ी गिरावट, फिर बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी और फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आई है कोरोना के चलते। अब यहाँ से शेयर बाउंस बैक करने की तरफ जरूर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए मिड कैप जो कि तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस के बाद 32.47% की होल्डिंग है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम किया, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की है। 27% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.21% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 29.50% की होल्डिंग है। अब देखिए 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 246 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 26.24% के आसपास देखने को मिली है और देखिए डिविडेंड भी पे कर रहा है, 70% का बढ़िया डिविडेंड ये पे कर रहा है। 1.40 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। फेडरल बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। पी 5.64 है, इंडस्ट्री पी 25.75 है, बुक वैल्यू 66.59 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.69 है। ईपीएस आप देखेंगे तो 8.15 है, डिविडेंड 70% का दे रहा है और यहाँ पर डिलीवरीज आप देखेंगे तो 18.20 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 55% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कर्जे की बात करें तो भैया कर्जा डेफिनेटली बैंक के ऊपर तकरीबन 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है, लेकिन वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि बैंक हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कर रहा है। आप देखिए 440 करोड़ का मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में 416 करोड़, जून में 885 करोड़, मार्च में जून में 385 करोड़, मार्च में 380 करोड़, 333 करोड़। अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर में ये जो इनके जो प्रॉफिट्स हैं भैया वो ऊपर ही ऊपर बढ़ रहे हैं। हर क्वार्टर में यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी कंपनी, अच्छे बैंक की निशानी है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि अगर हम बात करें फेडरल बैंक के बारे में, बढ़िया बैंक है, यहाँ से इसमें पूरा का पूरा दमखम है कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन फेडरल बैंक को मैं कभी भी इस तरीके से रिकमेंड नहीं करूंगा खरीदारी करने के लिए कि आप इसको 2 साल के लिए खरीद लो, 3 साल के लिए खरीद लो, 4 साल के लिए खरीद लो, 5 साल के लिए खरीद लो, जी नहीं। क्योंकि इसका जो प्राइस मतलब जो चार्ट पैटर्न है वो ऐसा है कि भैया गिरावट आ गई तो तेजी आएगी, तेजी आई है तो गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, गिरावट आएगी। 10 साल में 66% का ही यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 50% की गिरावट है। हालांकि कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम बात करें तो शेयर सिर्फ 90 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और वो तकरीबन उसी प्राइस का उसका रेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि इस शेयर को डेफिनेटली अभी आप अपने खरीद पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आप खरीदारी अभी भी इसमें कर सकते हैं। जिन्होंने खरीदा है वो अभी इसको रख सकते हैं, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। शेयर अभी भी 60 से 65 रुपए तक जाने का दमखम रखता है आने वाले 3 या 4 महीनों के अंदर। उससे अगर हम बात करें 5-6 महीनों में भी ये शेयर 60 से 65 रुपए तक जाने का आराम से दमखम रखता है। तो आप अभी भी अगर इसमें है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रख सकते हैं। खरीदारी नहीं की तो आप खरीदारी कर सकते शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं आप इसमें। जैसे ही आपको जैसे ही शेयर 60-65 पे चला जाए, 75 पे भी चला जाए, आप यहाँ पर बेच कर निकल जाइए।
प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस से शेयर नीचे आएगा तब फिर से खरीदारी कर लीजिए, फिर से बेच दीजिए, क्योंकि इसका जो प्राइस चार्ट है ना वो आपको आने वाले 10 साल तक भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। भैया तेजी आई है, गिरावट आ जाएगी, गिरावट आई तेजी आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और शेयर जो है वो काफी कम ट्रेड होता है। आप देखिए 3 साल में 88 रुपीज का ही इसका प्राइस रेंज है, और वो भी कोरोना के चलते इतना नीचे गया है। वरना आपको देखिए कि 30 जनवरी को शेयर 93 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और 2017 में भी, 2017 में भी ये शेयर 90 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और 2020 के जनवरी महीने में भी ये शेयर 90 रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो जो प्राइस रेंज है भैया वो जहां था वहीं का है। कोरोना के चलते इसमें गिरावट आई है, लेकिन अगर हम उसको निग्लेक्ट करें तो शेयर का प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो भैया 3 साल का जो प्राइस रेंज है ना उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। तेजी आ गई, गिरावट आ गई, तेजी आ गई तो ज्यादा उतना ज्यादा ये शेयर फ्लक्चुएट नहीं होता है। हाँ अभी कोरोना की वजह से जो गिरावट है उसको शेयर बाउंस बैक जरूर करेगा और वापस से अपने प्राइस पर पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, जैसे कि 5 साल है, 6 साल है, जी नहीं। आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाएं, गिरावट आई है फायदा उठाएं, पोजीशन यहाँ पर जरूर बनाएं, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ खरीदारी अगर आप कर भी रहे हो तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, छोटी क्वांटिटी। आप 50 कंपनी के शेयर लो, अच्छी खासी 50 कंपनी के शेयर लो, लेकिन सब में छोटी छोटी क्वांटिटी लगाएंगे, आपको बढ़िया फायदा होगा अपना जो पोर्टफोलियो, यही मौका है। बहुत सारे जो शेयर है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, काफी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा करने का यही एक मौका है कि भैया बहुत सारे फंडामेंटल स्टॉक चूज करें, और उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी अगर आप लगाएंगे तो बढ़िया फायदा आपको होगा और आपको लॉस भी नहीं होगा और आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो वीडियो को इसी पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। फेडरल बैंक के बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।